नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद टासना जेल में 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि। टासना जेल अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने कहा, यह सामान्य प्रक्रिया है, प्रतिदिन मरीजों का चेकअप होता है, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। सर, गाजियाबाद की डासना जेल की अगर बात की जाए तो 140 बंदियों में एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, क्या है पूरा मामला? ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब ये सामान्यता ये फिगर है, ये इतने यहाँ पे रहते हैं लगभग 125 से 150, और जो भी नया बंदी दाखिल होता है जेल में उसकी एचआईवी जांच होती है पहले, और एक आध बंदी निकलते रहते हैं, तो वो सामान्यता जो है ये संख्या 125 से 150 हमेशा बनी रहती है। और जैसे ही ये डिटेक्ट होता है, इसको एआरटी सेंटर हम रजिस्ट्रेशन करा के इनका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, तो इसमें एक आध आते रहते हैं, एक आध छूटते रहते हैं, तो ये लगभग फिगर हमेशा की है। मतलब कही जाए तो कोई भी घबराने की बात नहीं है इसमें, कोई घबराने की ये सामान्य बात है, जैसे जनपद में है वैसे, क्योंकि जेल में जो नशे में और इस तरह के जो ब्लड डोनेट करते हैं या नशा करते हैं, सीरिंज से यूज़ करते हैं, उनमें आप आसानी से ये फैलती है, तो ये वही संख्या है जो 140 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ से जी। अगर अन्य बंदियों की बात की जाए, जैसे टीवी के मरीजों की बात की जाए, उनकी संख्या क्या, और जेल की क्षमता की बात की जाए, कितने कैदी जेल में रह सकते हैं और क्या क्षमता से अधिक कैदी हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। टीवी की जो बंदी हैं, टीवी की 17 बंदी हैं हमारे यहाँ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उनको आइसोलेट कर रखा है हमने, और जो भी उनके जो दो डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, वो जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और ओवरक्राउडिंग तो हर जगह जेलों में है, और यहाँ भी ओवरक्राउडिंग है क्योंकि हापुड़ जनपद की भी जेल यही है। तो यानी कि इतने एचआईवी की जो पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या आई है वो हमेशा इतनी बनी रहती है, थोड़ी घटती बढ़ती रहती है? हाँ, बस ये तो कांस्टेंट फिगर बनी रहती है, 125 से 150 के करीब। गाजियाबाद में पुलिस की अवैध वसूली की पोल खोल रहा है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। खोड़ा में तैनात दरोगा सिपाही का गजब का कारनामा। महिला छेड़छाड़ के आरोपी को बचाने के लिए 20,000 लेकर धारा 151 में मामूली कार्रवाई की गई। चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह व सिपाही सतवीर सिंह द्वारा क्षेत्र में वसूली की दास्तान बताते हुए वीडियो वायरल। गाजियाबाद के मोदी नगर में शत्रु संपत्ति को लेकर 9वें दिन भी धरना जारी रहा। प्रशासन के अन्यायपूर्ण तरीके से जनता संपत्ति को शत्रु संपत्ति में दर्ज कराने के विरोध में 11 लोगों ने कराया अपना मुंडन। जनता में भारी आक्रोश। बबली भाई, आप यहां धरने पर बैठे हैं और ये 11 लोगों ने मुंडन कराया, ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखिए, हमें आज यहाँ कर्मी कंसन पर 9वां दिन है, और लगातार हमारी बड़ी संख्या में मातृशक्ति कर्मी कंसन पर रोज़ाना बैठती हैं, और वो सुबह से शाम तक खाना पीना सब बंद रहता है, और इस 9 दिनों के अंदर जो प्रशासन ने तानाशाही रवैये से, तानाशाही तरीके से इस 1800 बीघा ज़मीन को शत्रु संपत्ति घोषित किया है, जिसमें लगभग 50-60 हज़ार लोग प्रभावित हैं, 20,000 मकान इसमें हैं, और हमें लगातार 9 दिन बैठने के बाद भी केवल एक दिन यहाँ, तीसरे दिन तहसीलदार मोदी नगर आए थे और उन्होंने भी हमसे सिर्फ यहाँ से धरना खत्म करने की बात कही, समाधान करने की कोई बात नहीं कही, और लगातार बैठने के बावजूद प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। हमने ये जो गंजे करे हैं, गंजे जो हुए हैं लोग, जो मुंडन कराया है, ये उनके विरोध में कराया है कि प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है किसी भी प्रकार से, तो ये हमारी एक चेतावनी है कि हमने आज तमाम लोग, हमारे 11 साथियों ने मुंडन कराया और 10 मातृशक्ति हमारी अनशन पर बैठी हैं। आज हमने इन लोगों ने मुंडन कराया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन प्रशासन के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं, इन्हें बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने इतना बड़ा जुर्म और ये जाति जनता के साथ करी है, आज हमारे लोगों ने मुंडन कराया है, अगर एक दो दिन में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर 2 दिन में कोई संतोषजनक रिपोर्ट हमारे इस प्रकरण में नहीं आती है या प्रशासन हमारी सुध नहीं लेता है, क्या एसडीएम मैडम यहाँ बराबर में तहसील है 4 किलोमीटर दूर, उन्हें नहीं दिख रहा 9 दिन से यहाँ लोग धरने पे बैठे हैं, कर्मी कंसन पे बैठे हैं? एडीएम मैडम आई थी 4 दिन पहले, उन्होंने हमें तहसील में बुलाने के लिए कहा, क्या उनका वो नहीं आ सकती थी यहाँ लोगों के बीच में?
ये प्रशासन के अधिकारी हैं, ये हमारे एक तरह से जो जनता टैक्स देती है उसकी उसकी तनख्वाह पाते हैं, ये जनता के कामों के लिए पदों पर बैठे हैं। इनके विरोध में जो ये हमारी नहीं सुनवाई कर रहे हैं, आज हमने ये हमारे साथियों ने हमारे का काम किया है। दो दिन में अगर कोई संतोषजनक बात नहीं होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, नौजवान साथी और माताएं बहनें यहाँ आमरण अनशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये मैं भी जानता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ 50,000 वोटों, मैं क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। जिस दिन मैंने एक सोशल मीडिया पर अपना आग्रह डाल दिया ना, तो इनके होश हादसा हो जाएंगे, इतनी जनता यहाँ आ जाएगी। तो आप लिख दें आज स्पष्ट रूप से इन्हें बता दें। क्या नाम है आपका? सोनू गुजर। यहाँ यहाँ जो धरने पर बैठे हो, मुंडन जो कराया आपने, ऐसा क्यों? हमारा आज यहाँ क्रमिक अनशन का 9वां दिन है और ये क्रमिक अनशन फर्जी शत्रु संपत्ति को लेकर बैठे हुए हैं हम, और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ना तो हमें सुनने आ रहा है और ना ही समझने आ रहा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है। और हमें अगर नहीं सुना गया, आने वाले समय में या तो हम आमरण अनशन करेंगे या फिर आगे सर्दी पड़ेगी, हम नी वस्त्र होकर हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। ये शत्रु संपत्ति नहीं है, ये फर्जी शत्रु संपत्ति है। हमारे पास इसके पुश्तैनी जमीन के सारे कागजात हमारे पास हैं, लेकिन उनके पास शत्रु संपत्ति का कोई कागज उनके पास नहीं है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।